नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों मैं मुनिशपाल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2021 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों यूपी पीईटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए upsc.gov.in सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं न्यूज एंड अलर्ट्स ऑप्शन दिया है, इसके जस्ट नीचे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जेंडर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना कैप्चा फिल करके डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे। चलिए दोस्तों ये डिटेल मैं फिल करता हूँ। दोस्तों इस तरह से आप अपनी डिटेल फिल कर लेंगे, उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड तो हो जाएगा और आप यहां पर क्लिक हेयर टू प्रिंट पर क्लिक कर देंगे और आप अपने इसको प्रिंट कर लेंगे। दोस्तों एडमिट कार्ड शो होने के बाद इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका रोल नंबर दिया है सबसे पहले, उसके बाद बारकोड दिया है और उससे नीचे यहाँ पर कैंडिडेट्स पर्सनल डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कैटेगरी और यहाँ पर आपका स्टेट दिया है। उससे नीचे दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल दी है, आपका एग्जाम कौन से ज़िले में है, आप यहाँ पे ज़िले का नाम दिया है, इसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है। उससे नीचे आपका ऑप्शन दिया है कौन सा कॉलेज है आपका, और उससे नीचे ऑप्शन तीसरा ऑप्शन दिया है और कॉलेज का एड्रेस क्या है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फ़ोटो सिग्नेचर शो हो जाएंगे और उससे नीचे एग्जामिनेशन डिटेल दी है, आपका कौन सी डेट में एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका टाइमिंग क्या है एग्ज़ाम का, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने एडमिट कार्ड पर साइन करने होंगे। यहाँ पर एक साइन करने का एक ऑप्शन दिया है कैंडिडेट सिग्नेचर, इस पर आप अपने साइन कर लेंगे और अपने साथ में एक फ़ोटो, आधार कार्ड ले करके जाएंगे।